नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, लास्ट जो टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड, क्या बनाने के मेथड में हमने उसमें रासायनिक जो जितने भी साइनाइड की रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शन थी, रासायनिक अभिक्रिया थी, वो मैंने सारी सारी एक साथ डिस्कस कर ली थी, जिसमें मैंने अपचयन को भले वो पार्शियली यानी अनकम्प्लीट हो या कंप्लीट अपचयन हो, ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन की, जिसमें अमाइड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके साथ साथ आरएमजे से जब आरसीन रिएक्ट करता है तो कीटोन कैसे बनाता है, ये सारी की सारी रिएक्शन मैंने डिस्कस कर ली थी। दोस्तों ये देखिए, ये पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने डिस्कस कर ली थी, जो कि अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने पूरी की पूरी नोट कर ली होगी। दोस्तों जरूर नोट कीजिए, दोस्तों ये मैटर आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो बची हुई रिएक्शंस है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एल्कीन से, कि एल्कीन से किस तरह से मैं एल्कीन से किस तरह से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, एक तो ये देखना। एनसीईआरटी का बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से भी। दूसरा, मैं ट्राई हेलाइड भी ले लेता हूँ दोस्तों, ट्राई हेलाइड, क्योंकि अपन जानते हैं इसका जल अपघटन करवाएंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों ये दो मेथड, इसके मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, इनके क्वेश्चंस भी साथ के साथ डिस्कस करूंगा। ये ओवरऑल अपने प्रिपरेशन मेथड होंगे जो अपने आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें भी दोस्तों ध्यान रखना, आरएमजीएक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि यहां मैं एक मेथड के साथ जोड़ रहा हूं कि आरएमजीएफ के साथ जब CO2 रिएक्शन करवाएंगे तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। ये तीनों के तीनों रिएक्शन मैं आज डिस्कस करूंगा विद एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री की वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ बाई एल्कीन। बाई एल्कीन यानी एल्कीन के द्वारा हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि जब एल्कीन का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा और वो भी अम्लीय माध्यम में, क्या मनोफोर के साथ में, गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए ये कोई मैंने एल्कीन ले ली दोस्तों, और इस एल्कीन पर मैंने डाल दिया के मनोफोर, और वो भी अम्लीय माध्यम में, और इस एल्कीन में इस कार्बन से एक तरफ आर ग्रुप जुड़ सकता है, कोई एच जुड़ सकता है, यहाँ भी कोई आर हो सकता है और एच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर CH होना जरूरी है, ताकि ये जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन चेन है CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, ये जो कंपाउंड है वो किसमें चेंज हो जाए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अब मैं दोबारा लिख करके समझाता हूँ दोस्तों। एक बार देखिए, ये जो कार्बन चेन है डबल बॉन्डेड वाली, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये CH में चेंज हो जाए, और इधर से ये वाला ग्रुप भी CH में चेंज हो जाए, यानी केमनोफोर की प्रेजेंस में जब माध्यम अम्लीय हो तो ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और ये वाला भी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब जो आर है वो कितने ही कार्बन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ ये CH का होना जरूरी है कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण के लिए। गजब का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कैसे, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। मैंने सबसे पहले प्रोपीन ले लिया दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रोपीन की बात करता हूँ, और यहाँ ले लिया मैंने केमन फोर, और फिर डाल दिया H2SO4। ठीक है, अम्लीय माध्यम में मैंने केमन फोर डाल दिया। अब मेरे को ये देखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोस्तों, उसमें किधर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो जाहिर सी बात है एसिड तो ये भी बनाई गई, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड बनता है, और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो फॉर्मिक एसिड को आगे जा करके फिर ऑक्सीडाइज कर देता है CO2+H2 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है इस CH से, तो जितने कार्बन उतने कार्बन का एसिड बना दो दोस्तों, यानी दो कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड बन गया। प्लस अब यहाँ बच रहा है CH2, और ये CH2 क्या बनेगा, पहले तो बनेगा दोस्तों फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड तुरंत डिकम्पोज होकर के क्या बना लेगा, CO2+H2। तो इसके जो मुख्य उत्पाद होंगे दोस्तों ऑप्शन में, या तो आपको इथेनोइक एसिड प्लस CO2+H2O मिलेगा दोस्तों, ये कम मिलता है दोस्तों, बहुत कम। अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे ना दोस्तों, तो भी आपको टिक इसको लगना है, क्लियर है। तो जैसे अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, जैसे मैंने ले लिया 2-ब्यूटीन, और यहां डाल दिया दोस्तों केमनोफोर के साथ में
अम्लीय माध्यम H2SO4 या H+ दे दिए। तो अब देखिए दोस्तों, इस सी एच से एक सी एच थ्री इधर जुड़ रहा है, तो ये इस दो कार्बन का एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच बना देगा, कहने का मतलब। और इसमें भी जो सी एच थ्री सी एच है डबल बोन, ये वाला ग्रुप ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी टू ब्यूटीन से 2 मोल इथेनोइक एसिड का निर्माण होता है। अब दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है कंफ्यूज करने वाला, वो कुछ इस तरह से मिल सकता है। कैसे कि अगर मैंने एक तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन से मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए दो, यहां पर CH होना जरूरी है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण के लिए, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन अगर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़ गए तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कार्बन रहता है ये 2 डिग्री वाला कार्बन, उस केस में ये कीटोन का निर्माण करता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, कीटोन का निर्माण करता है। गजब का क्वेश्चन अब यहां से, यानी ये कंपाउंड किस में चेंज होगा, कीटोन में, और रिमेनिंग जो ग्रुप है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं केमन फोर के साथ में दो कंडीशन में, जो याद करो मैंने एल्किन में भी लिया था, एक बेयर्स रिएजेंट के साथ में और एक केमन फोर अम्लीय माध्यम में। देखिए क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से ले लिया दोस्तों, ये मैंने टू ब्यूटीन ले ली, यानी कोई एल्किन ले ली दोस्तों। अब इस एल्किन को आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस मैंने यहाँ एल्काइल ग्रुप में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे मैंने कोई ग्रुप नहीं जोड़े हैं। अब ये समझने की बात है कि यहाँ कोई से भी ग्रुप जोड़ सकता हूँ और उस ग्रुप के हिसाब से ही मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। जैसे दोस्तों मैंने ये वाली एल्किन ले ली, अब सोचेगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं एल्किन वाले चैप्टर में, अगर नहीं देखा तो एल्किन और एल्काइन जरूर देखिए दोस्तों। मैंने बार बार कहा है कि जो चैप्टर अपने पीछे वाले चल रहे थे उनको मैं लिंक कर रहा हूं, ताकि आने वाले चैप्टर आपको याद होते जाए और पीछे वाला अपने आप मैटर आपको रिवाइज होता चले। देखिए दोस्तों, यहां मैंने ले लिया केमनोफोर और ले लिया H2SO4 अम्लीय माध्यम में, और यहां ले लिया मैंने दोस्तों केमनोफोर बेसिक मीडियम में, और वो भी एक्वस, यानी यहां मैं लिख दूं दोस्तों कि मैंने ले लिया बेयर्स रिएजेंट। कौन सा ले लिया, बेयर्स रिएजेंट या बेयर्स अभिकर्मक ले लिया दोस्तों। अब ये जो अभिकर्मक है, बेयर्स अभिकर्मक, जब किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है दोस्तों, तो डाईओल का निर्माण करता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, डाईओल का निर्माण करता है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आगे चलता हूं मैं, लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन अगर मैं केमन फोर विद अम्लीय माध्यम में देखूं, तो ये चेंज करता है दोस्तों इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये चीज आपको समझनी है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से अगर क्वेश्चन बने तो। देखिए दोस्तों, यहां पर सी एच सी एच थ्री है, तो यहां ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के दे देगा दोस्तों, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच और सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, डाईओल है, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां OH ग्रुप जुड़ जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये डाईओल का निर्माण करता है, डाईओल का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है, 100% कोई भी बच्चा चलता हुआ कंफ्यूज हो सकता है यहां से, और ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आरबीएससी एग्जाम के लिए, क्लियर दोस्तों। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसी में मैंने ये वाली एल्किन ले ली दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं कितने सारे क्वेश्चन इस एल्किन के साथ जोड़ रहा हूं, एक तरफ तो ले लिया दोस्तों मैंने ओजोन, और फिर उसका जिंक के प्रेजेंस में H2, ठीक है, यहां आपको A+B बनाना है, क्या बनेगा, ओजोनोलाइसिस करवाना दोस्तों। अब देखिए दूसरा मैंने लिया दोस्तों KMnO4 H2SO4 के साथ में, तीसरा दोस्तों KMnO4 ले लिया मैंने, वो क्षारीय माध्यम में, जलीय क्षारीय माध्यम में, यानी एक्वस KMnO4, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं बेयर अभिकर्मक, हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं दिया जाए और सीधा लिख दिया जाए बेयर अभिकर्मक। और एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक और ले लेते हैं, यहां मैंने लिया दोस्तों एसिडिक मीडियम में H2SO4, यानी H2SO4 के साथ में, या डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, और एक ले लिया दोस्तों मैंने HCl का एडिशन, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ले लिए दोस्तों। अब एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और इनके प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखी दोस्तों कि क्या करेंगे, यहां पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को जोड़ेंगे और यहां डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, यानी जो आपके पास में प्रोडक्ट बने दो, जिनमें से एक तो दोस्तों बन गया एसीटोन और एक से बन गया दोस्तों इथेनॉल, क्लियर हुआ। एल्किन का ओजोनोलाइसिस अपन ने किया था, ठीक है सर। अब एसिडिक मीडियम जब H2 डालोगे दोस्तों, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड उठेगा, यहाँ पर H
प्लस जुड़ेगा और यहाँ जुड़ जाएगा दोस्तों OH माइनस, यानी स्टेबल वैसे ही स्टेबल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OH जुड़ जाएगा दोस्तों और यहाँ CH2 और ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, बन गया सर। HCl वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इसी तरह से बन जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर यही रिएक्शन HBr के साथ में होती और मैं कोई भी परोक्साइड ले लेता दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों RPSC में, गजब का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों RPSC में, तो फिर मैं क्या करता, एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाता दोस्तों, यहाँ H जोड़ता और यहाँ जोड़ता दोस्तों Br, कौन सा प्रोडक्ट बनाता, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अब देखिए यहां देखिए दोस्तों ऑक्सीडेशन केमन ऑफ और अम्लीय माध्यम में, तो मैंने कहा कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में CH है तो वो तो बनाएगा दोस्तों इथेनोइक एसिड, यानी जितने कार्बन है उतने कार्बन का एसिड। अब यहां पर दोस्तों अगर मिथाइल पर, इस कार्बन पर दो मिथाइल या दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस केस में 100% वो क्या देगा, कीटोन देगा, यानी यहां से बन गया दोस्तों अपने पास एसीटोन, क्या बन गया, एसीटोन या टू प्रोपेनोन। क्लियर दोस्तों, और यहां बेयर्स रिएजेंट है तो डाईओल का निर्माण हो गया, क्या बन गया दोस्तों, डाईओल का निर्माण हो गया कुछ इस तरह से, ये लीजिए। क्लियर दोस्तों, अगर आपको नाम दे दिया जाए प्रोडक्ट का तो टू मिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाईओल, क्या कह रहा हूं, नंबरिंग यहां से कर लेंगे 1 2 3 4, तो टू मिथाइल ये रहा ब्यूटेन 2 3 डाईओल। तो ये दोस्तों इस तरह से आपके लिए एल्कीन पे बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब अपन लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेथड ट्राई हेलाइड्स, जिसमें एक कार्बन से दोस्तों तीन हेलोजन जुड़ी हुई है और इनका अपन को क्या करवाना है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाना है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो तीन OH यहां जुड़ेंगे दोस्तों, HOH, HOH और HOH, और तीनों के तीनों यहां से HX को बाहर निकाल देंगे और यहां से ये तीन OH यहां से कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, जिसका अपन जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पे अगर एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो यहां से दोस्तों यहां से डिहाइड्रेशन करा दो और डिहाइड्रेशन करवाने से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, यानी एसिड। तो कुछ इस तरह से आपको क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक। अब इस एच की जगह कोई आप चाहे कि सर हम इस एच की जगह कुछ और ग्रुप जोड़ सकते हैं क्या, हाँ तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं दोस्तों, ये लीजिए, इसका जब मैंने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया दोस्तों, तो इस CCl3 में तीन OH एक ही कार्बन पे जुड़ेंगे और जहां इसका निर्जलीकरण करवाएंगे और निर्जलीकरण करवाने से, डिहाइड्रेशन करवाने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। RMGX की मैं बात कर लेता हूं, लास्ट मेथड RMGX, जिसमें मैंने कहा था कि RMGX की रिएक्शन सबसे पहले अपने को CO2 से करवानी है और फिर उसका जल अपघटन। अब देखिए RMGX की रिएक्शन कहाँ कहाँ चल रही है दोस्तों, और RMGX का मैंने पहले बता दिया कि RMGX ऐसा रिएजेंट है जो काफी रिएक्शंस में आपको मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कैसे इसकी रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। ये तो ले लिया दोस्तों RMGX में और ये ले लिया मैंने CO2। CO2 को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, वैसे मैं जानता हूँ कि इसकी जो संरचना होती है वो रेखीय होती है, लेकिन रिएक्शंस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये नेगेटिव जो नाभिक स्नेह की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ ये नाभिक स्नेह इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा दोस्तों, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव जिससे क्या जुड़ जाएगा, आर जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ है और इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया दोस्तों MgX। अब मैंने कहा जो सेकंड स्टेप होगी दोस्तों उसमें आपने क्या कराना है, जल अपघटन। तो यहाँ H और यहाँ OH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है दोस्तों, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये MgX और OH बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ OH जुड़ गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा समझना इसको, मैं कन्वर्जन के तौर पे ले रहा हूँ। मैंने ले लिया CH3Cl, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई दोस्तों शुष्क ईथर के साथ में, तो ये बन गया CH3MgCl। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन दोस्तों मैंने करवा दी CO2 से, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों अब प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड ओ
MgCl बनेगा, जिसका मैं आगे जाके जलापटन करा दूंगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से इस नेगेटिव से जुड़ेगा दोस्तों एच प्लस, और इस एम जी प्लस से जुड़ेगा ओ एच माइनस, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। अगर मैं दोस्तों इसी RMGX की रिएक्शन मैं कीटोन से करवाता दोस्तों, याद करो मैंने करवाई थी दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड और जलापटन करवाता, तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता, जितने कार्बन उतने कार्बन का 3 डिग्री एल्कोहल बना लेता। अब मेरे को काउंट कर लिए, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का 3 डिग्री एल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल या 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल बन जाता है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों इसी रिएक्शन को इथेनॉल से करवा करके और जलापटन करवाता दोस्तों, इथेनॉल से करवाता, तो मैंने बताया था कि फॉर्मेलडिहाइड को छोड़ करके कोई सा भी एडिड लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, तो यहाँ 3 कार्बन का 2 डिग्री एल्कोहल दोस्तों कौन सा बन गया, 2-प्रोपेनॉल बन गिया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ अगर मैं फॉर्मेलडिहाइड रिएक्शन करवाता इसकी और फिर इसका जलापटन करवाता था दोस्तों, तो ये मैं जानता कि 2 कार्बन है और 2 कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा बन जाता दोस्तों, इथेनॉल बन जाता। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इसको आगे लेके चलूं, तो अगर आप डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन करवाते थे तो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता था, और ये भी मैंने पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से समझा रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कीटोन का निर्माण करेगा, क्योंकि अगर याद करो कि यहाँ मैंने इसको कहा था ये लिविंग ग्रुप है यानी आसानी से हटने वाले ग्रुप है, और ये सीधा के सीधा यहाँ जोड़ दो और इस ग्रुप को हटा दो दोस्तों, इस वाले ग्रुप सीधा सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ प्रिपरेशन मेथड। दोस्तों इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा एसिडिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही गजब के क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, पूरा का पूरा। इसमें जो प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको अम्लीय यानी पीके ए और के ए यानी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं बता देता हूँ दोस्तों एक बार, ये कौन कौन से क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं एक बार मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तो अम्लीय सामर्थ्य, यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ऑर्डर भी पूछ सकता है या कोई एक ऑप्शन के हिसाब से दे दिया जाए। दूसरा पीके ए की वैल्यू, तीसरा के यानी पीके की वैल्यू देकर भी पूछ सकता है या पीके का डायरेक्ट ऑर्डर देकर पूछ सकता है, और के आपको पूछा जाता है। यहाँ से अम्लीय माध्यम के बेसिस पर 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों, जो कि मैं आपको अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे टॉपिक आपको अगर यूजफुल मिल रहा है दोस्तों तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय।